इस वक्त हम ग्राम पंचायत थाना में हैं, जो छुआरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रूडू उपमंडल में है। यहाँ सघन खेती की पहल 2014 से स्टार्ट हुई है और इस वक्त सुधीर ठाकुर जी के बगीचे में हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, सुधीर जी, आपने ये बगीचा कब लगाया? ये 2018 का लगाया। और वैसे बागवानी विभाग है छुआरा वैली अपन सोसाइटी ने आपके लेआउट से लेकर के लगाने तक के काफ़ी हेल्प की है, फिर भी अभी आपको तीसरा साल हो गया है, इसमें कौन कौन सी जो आपको प्रॉब्लम आई है जिसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं? हमारे बीच में डॉक्टर चंदेल जी है, तजुर्बेकार है, इन्होंने अच्छे डेवलप किए, तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गलतियाँ क्या आ रही है, क्या आप... तो इसमें ट्रेनिंग को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, कहीं हम कहीं से सीख रहे हैं कुछ, कहीं से कुछ सीख रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई कहता है कुछ काटो, कोई कहता है कुछ काटो, इस वजह से इसमें थोड़ी मेरे पास ग्रोथ इशू भी आ रहा है। नंबर वन कि भाई आप सबसे पहले टॉल स्पिंडल पे गए हुए हैं, तो इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, इसको बिल्कुल दूर करेंगे डॉक्टर साहब। और दूसरा, बीच बीच में कुछ पौधे मैंने भी देखे हैं कि अच्छे हैं और कुछ ग्रोथ इशू आ रहा है, ग्रोथ इशू दो चीज़ें हैं। और तीसरा, आपका जिस तरह जैसे अभी बांस ही लगे हैं और एम लाइन के लिए सपोर्ट सिस्टम बड़ा ज़रूरी है, तो सपोर्ट सिस्टम पे क्या है आपका? सपोर्ट सिस्टम पे सर मैंने जाना है इसके बाद, एक भाई अगर मैं इनकी हाइट पूरी हो जाती है उसके बाद मैं इसमें स्पोर्ट सिस्टम लगाता हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये तीन सवाल है कि स्पोर्ट सिस्टम कब लगना चाहिए और ट्रेनिंग इसकी किस तरह से शुरू से होनी चाहिए, और आपका ग्रोथ अगर चेक हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए, और ये तीन इशू पे डिस्कस करें डॉक्टर साहब प्लीज़। थैंक यू मेहता जी, मुझे बड़ी खुशी हो गई है कि खासकर आज हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन जिसकी हम बात करते हैं, मैं इस इलाके में पहली बार आया हूं और यहां देख रहा हूं कि यहां की जो टोपोग्राफिक कंडीशन है खासकर हाई डेंसिटी के लिए बहुत ही उपयुक्त है और सॉयल कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तो जैसे हम इस बागीचे में खड़े हैं, देखिए लेआउट सिस्टम बहुत अच्छा है, स्पेसिंग भी ठीक है, जो हम रिकमेंड करते हैं कि 1x2.5 मीटर स्पेसिंग होनी चाहिए, 2.5 मीटर रो टू रो और 1 मीटर से 1.5 मीटर तक प्लांट टू प्लांट। ग्रोथ कंडीशन ठीक है, इनिशियली जब प्लांटिंग मटेरियल शायद फैदर प्लांट आए होंगे, जो इसके आपके कनोपी बनी है उसके जो ब्रांचेस टॉल स्पिंडल सिस्टम पे हम ब्रांचेस निकालते हैं वो भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी निकली हुई है। सिर्फ इनका जो कंसर्न है कि इसमें एक तो प्रूनिंग और ट्रेनिंग का डिफरेंट व्यूज़ है लोगों के। देखिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग की अगर कोई भी बागवान भाई जाना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ आती है कि उसकी कैनोपी मैनेजमेंट सही होना चाहिए। तो हम जो रिकमेंडेशंस है, यूनिवर्सिटी में भी हमने काम किया है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर भी काम कर रहा है, और वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए तो हमारे लिए टॉल स्पिंडल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये डेवलप करना बहुत ईजी है, आम फार्मर बड़े आसानी से इसको डेवलप कर सकता है। तो जैसे कि हम हमारे मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर या टॉल लीडर सिस्टम है, उसी के ही बेस पे ये हमारा टॉल स्पिंडल सिस्टम बना है। तो इनिशियली इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या आती है, टॉल स्पिंडल के लिए जो हमने ब्रांचेज निकालनी है वो आपकी कम से कम नी हाइट या 2.5 फुट से ऊपर ऊपर पहली ब्रांच निकलनी चाहिए और सॉइल से उससे ऊपर ब्रांचेज निकालनी है। अगर आप फैदर प्लांट लगाते हैं उसमें 5-6 ब्रांचेज ऑलरेडी होते हैं, 7 तक भी आपके ब्रांचेज होती है। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ध्यान रखनी है कि जो ब्रांच निकली है, जैसे ये ब्रांच निकल गई है, इसका जो एंगल है वो क्रॉच एंगल वाइड होना चाहिए, ये ना हो कि इसका एंगल नैरो हो, जैसे इस ब्रांच को देख रहे हैं बिल्कुल नैरो है, ऊपर की तरफ ग्रोथी देगा, तो इसका एंगल वाइड करना है क्योंकि हमें ग्रोथ कंट्रोल करनी होती है। तो जैसे इस ब्रांच का है वाइड क्रॉच एंगल बनाने के लिए तरीका है कि जैसे कि शूट निकला है उसके बाद उसमें 10-15 सेंटीमीटर की ग्रोथ ले, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, टूथपिक लगा दीजिए ताकि ये आपकी, जैसे ये ब्रांच है तो इनिशियली अगर 10-15 सेंटीमीटर की थी, अभी काफ़ी बड़ी हो गई है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, जब ये ग्रोथ में होती है तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। तो मुख्य तने के साथ साथ आप इसको टूथपिक लगाइए, या आप कपड़े टांगने के लिए हम जो
क्लिप यूज़ करते हैं, इस तरह से आपने इसको लगा दिया तो आपकी जो ब्रांच है वो बिल्कुल इसके साथ रहेगी नीचे, फ्लेक्सिबल है तो आपकी ये बिल्कुल वाइड क्रॉस एंगल बनेगा। ये इनिशियली पहले आपने ध्यान देना है। तो आपने ये ब्रांच की और इसमें ब्रांचेस हम जैसे कि मॉडिफाइड सीडलिंग पे जो प्लांट लगा है उस पर ब्रांचेस हम क्लोज नहीं लेते थे, कम से कम 30 सेंटीमीटर के बाद दूसरी ब्रांच, इसमें हमें क्लोज ब्रांचेस निकालनी है और लगभग एक मीटर में आपके 10-12 ब्रांचेस होनी चाहिए। अगर 3 फुट का है तो इसमें 10-12 ब्रांचेस अलग अलग डायरेक्शन में हमें निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद जो कैनोपी मैनेजमेंट या ट्रेनिंग का काम आता है कि जो भी ब्रांच निकली है उसको जुलाई के महीने में इसको और नीचे करना है। पहले तो आपका एंगल 45 और 60 का होगा, उसके बाद जुलाई के महीने में इसको आप जैसे कि धागे से बांध के, सुतली से बांध के इसको नीचे मेन स्टेम के साथ, ताकि ये नीचे ब्रांच रहे। जितनी ब्रांच को नीचे झुकाएंगे उतने ही ज़्यादा स्पोर फॉर्मेशन होगी और आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो चेक हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आप सीधे जान देंगे ये यहाँ दूसरे प्लांट में जाएगी और उधर की ब्रांच इसमें आएगी तो आपकी इकट्ठी हो जाएगी। तो हमारा मकसद जो मेन फोकस रहता है हाई डेंसिटी में कि ग्रोथ को कंट्रोल करना। एक तो आपने रूस्टॉक को कंट्रोल कर दिया, क्योंकि हाई डेंसिटी के लिए रूस्टॉक ही एक ग्रोथ को कंट्रोल करने का तरीका है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे आपने ये ब्रांचेस बहुत निकली है, इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है ये थोड़ा मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए ये ब्रांचेस आपकी दोबारा निकली है तो इसको मैं फ्लश कट देके निकाल दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। ये ब्रांच बिल्कुल ठीक है, निचली ब्रांच है। अब इसकी ग्रोथ मुझे कितनी चाहिए, अमूमन इसने पूरा स्पेस ले लिया है तो इसको मैं जस्ट थोड़ा सा क्लिक करूंगा ताकि इसकी ग्रोथ आगे ना आए और इसमें बीमे बनने शुरू हो गए हैं। इस ब्रांच को देखिए, इसमें बहुत सारे बीमे हैं और ये ब्रांच आगे से बहुत नीचे जा रही है, तो मैं यहाँ बीमे के पास इसको ग्रोथ कंट्रोल करूँगा। 8-10 बीमे यहाँ लगे हैं, ये ब्रांच बिल्कुल ऊपर जा रही है। इस ब्रांच को मैं निकाल दूंगा, इसको बेबल कट या देखे, क्योंकि इसका एंगल भी सही नहीं था। तो और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्रांच को हमेशा सिंगल में जाने देना, जो लेटरल वाली ब्रांचेज है उसको नहीं रखना। तो आप इसको मैं निकाल दूंगा, ये सिंगल पे आ गई। अब इसकी ब्रांच देखिए, ये ग्रोथ मेरी यहाँ इधर वाली ब्रांच के साथ भी मिल जाएगी, तो मैं इसको स्पाइक के साथ से ग्रोथ कंट्रोल कर दूंगा। अब ये भी आपका वाटर स्पॉट्स निकला है, इसको मैं फ्लश कट लेके निकाल दूंगा, क्योंकि ब्रांच यहाँ बीमे अगर निकालने हैं तो इसमें बीमे भी निकल जाएंगे। फिर अगले साल उसको रिंग के पास से काट के, तो इस तरह से आप क्लिक प्रूनिंग कंसेप्ट भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब इस ब्रांच को आइए, ये बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी थोड़ी सी ग्रोथ चाहता हूँ तो स्लाइटली इसको सेटबैक कर दूंगा ताकि थोड़ी वेजिटेटिव ग्रोथ भी आती है, अदरवाइज जल्दी हम इनकी हेडिंग बैक नहीं करते क्योंकि और भागेगा आगे। ये ब्रांच बिल्कुल ठीक है, इसमें बीमे बन गए, कुछ नहीं करना। इस ब्रांच को ये ऊपर जा रही है तो यहाँ इसको मैं रिंग के पास से इसको काट के बीमे यहाँ लूँगा। ये ब्रांच इधर आ गई है, ये बिल्कुल ठीक है। ये ब्रांच ऊपर फंस गई है तो इसको मैं फ्लश कट देके, अब इस ब्रांच को देखिए, ये मोटाई भी थोड़ी ज़्यादा ले रहा है तो इसको ये कुछ पिक लगाई हुई है आपने, बहुत अच्छा है इसका वाइट एंगल। ये थोड़ी सी मेरे को ब्रांच ज़्यादा वो लग रही है विग्रस, और ये इसके साथ वीक ब्रांच है तो इसमें मैं या इसको स्टब भी कर सकता था, मैं बेबल कट दिया है, अदरवाइज स्टब भी कर सकते हैं। ये वीक ब्रांच आ गई, ये वीक आ गई, ये थोड़ी मेरी स्ट्रॉन्ग है तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा। और लीडर अभी मुझे चाहिए। जो ग्रोथ इशू आप बता रहे थे कि अगर ग्रोथ आपने बढ़ानी है उन ब्रांचेज की कहीं ग्रोथ नहीं आ रही तो इसको आगे से थोड़ा सा क्लिक कर दीजिए ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी आएगी। और इसको अभी लीडर को मुझे और ले जाना है तो इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट भी करना, नहीं तो ग्रोथ चेक हो जाएगी, बीमे बन जाएंगे। तो आपका ये देखिए एक कंप्लीट करके ये बिल्कुल ऊपर है, ये साइड ब्रांच नहीं चाहिए, ये आगे बहुत जा रही है, ठीक है। ये विग्रस है आपका, इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दूंगा ताकि यहाँ बीमे आ जाए। ये बिल्कुल ठीक ग्रोथ पे है, ये आपका
ये देखिए बस इतनी है, इसमें कुछ नहीं करना। एक आदमी बड़े आराम से 400-500 पौधे इसके रूम कर देगा। सिर्फ इसका इनिशियली इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रेडिंग सिस्टम है। अच्छा, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि ग्रोथ वाला इशू, ठीक है, जहाँ ग्रोथ नहीं आ गई उस पौधे पे भी जाएंगे, उसको थोड़ा हेडबैक करिए ज़्यादा ताकि ग्रोथ आ जाए। अदरवाइज मिनिमम इसकी हेडिंग बैक इसकी नहीं है, और इसको हम कॉलमनर टाइप डेवलप करेंगे, साइड ब्रांचेज नहीं लेते, साइड में बीमे ही निकालने हैं आपने। और थोड़ा सा एक चीज़ और, फ्रूट के जब फ्रूट लग जाएंगे इसमें, मैं इस पौधे में देख रहा हूँ कम से कम इसमें हो सकता है कि 20-25 किलो तक फ्रूट आए। आगे आपने इसकी थिनिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट लगेंगे, उसके कारण क्या होगा कि आपका फ्रूट साइज छोटा रहेगा और पौधे को भी एग्जॉस्ट करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें मुझे हाफ बॉक्स लेना है, 15 से 20 किलो, मैक्सिमम 15 किलो इसमें थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में फ्रूट लेना है। उसी हिसाब से आप जैसे इस ब्रांच में है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 5 फ्रूट की है, तो आप एक इसमें 5 फ्लावर आएंगे, हो सकता है 2 सेट हुए, एक यहाँ लगती थी एक यहाँ, तो आपका जो भी फ्रूट बनेगा वो मीडियम से लार्ज साइज का बनेगा, ठीक है। और अगले साल के लिए भी आपके क्रॉप के लिए अल्टरनेट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो ये कंसेप्ट है, इसमें बहुत आसान है। सिर्फ तीसरा जो आपका ट्रेलिस सिस्टम वाला था, मेरा तो ये मानना है कि ट्रेलिस सिस्टम जितना जल्दी लग सके, जैसे ही प्लांटिंग हो गई है अगर उस टाइम ट्रेलिस सिस्टम लग जाए, स्पोर्ट सिस्टम, तो बेहतर रहेगा। अभी आपने स्पोर्ट सिस्टम लगाए हैं बैम्बू को, ये ड्यूरेबल नहीं है, इसमें परमानेंट आप स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करिए। हो सकता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आने वाले टाइम में इसमें कुछ अनुदान शायद देगा, प्लानिंग चली है, क्योंकि अब फ्यूचर अब हमारा सीडलिंग नहीं रह गया। देखो, अगर हर साल आपने क्रॉप देनी है, अच्छी क्वालिटी वाली फ्रूट लेने हैं और प्रोडक्टिविटी लेनी है, तो आपको खासकर इस वैली में, तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को हाई डेंसिटी की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह की सॉइल कंडीशन आपकी है, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, M9 पे जाइए, स्पोर्ट सिस्टम लगाइए, और बाकी आपका जो लेआउट है, प्लांटिंग हुई है कि जिस पे, थोड़ा सा आपका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है। हम मैं यहाँ सीडिंग में देख रहा हूँ कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ हो गई, मेरे ख्याल यहाँ एनालिसिस नहीं करवाते तो न्यूट्रिशन मेरे ख्याल एक्सेस में दी जा रही है। तो इसमें न्यूट्रिशन भी ऐसा नहीं देना कि जैसे आपका ये हम सीडिंग वाले ऑर्चर में देखिए दिसंबर जनवरी में सारी खाद देता है, इसमें हमें ड्रिप इरिगेशन आपका लगा है, इसके थ्रू 10-15 स्प्लिट डोजी में डालना है, क्योंकि इसकी रूट सिस्टम बिल्कुल शैलो है, और जब आप ड्रिप के थ्रू देंगे 10-15 आधा किलो देना, उसको 10 भागों में बांट दीजिए और 10 दीजिए रोट डिफरेंट रोट से, जिससे ताकि पौधे के जड़ में जाए और पेड़ से सीधा आपका रूट साइज के लिए वो अपडेट होगा। तो ये है थोड़ा सा, और कोई आप लोगों का कोई सेकंड ये था सर, ये यहाँ ग्रोथ नहीं है इसमें, ये वाला प्लांट बीच में रह गया था, इसको यही वाला यही देख लो, ये उसी के साथ का था, लेकिन अच्छा ये इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है कि इनिशियली हो सकता है कि कहीं कमी रूट सिस्टम में भी हो सकती है, क्योंकि पौधों में भी जब नर्सरी से आते कईयों में ज़्यादा जड़ें होती है, कईयों में कम, इसको एस्टैब्लिशमेंट में टाइम लगा। अब इसका बेस्ट वे ये था कि जितने भी ये स्पर्स देना है, पहले तो ये पिछले साल ही निकाल देना चाहिए। अब ये स्पर्स निकलेंगे, शायद हो सकता है ब्रांच भी निकल जाए। अब इन ब्रांचेस की आपने ग्रोथ, इसको मैं यहाँ हेडबैक करूँगा और थोड़ा सा इसको बैंड वैश करना है ना, ठीक है। अब इसको भी हेडबैक करूँगा, इसको भी हेडबैक करूँगा, इसको मैं निकाल दूँगा। अब ये लीडर के साथ कंप्लीट तो निकाल दीजिए, इसको आप इसमें देख के निकाल दीजिए, यहाँ से आपका वीक शूट आ जाएगा। अब इसको लीडर और चाहिए तो मैं नीचे हाफ पे आऊँगा, इन बीमों को निकाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें न्यूट्रिशन थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा डालना है तो आपकी ग्रोथ आ जाएगी। अगले साल देखना इसको
ठीक आ जाएगी और इन ब्रांचेस की भी ग्रोथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा, जिनकी ग्रोथ कम है उसमें इनिशियली बीम में मत डाल दो। अब आपने देखना इसकी अगली साल ग्रोथ थोड़ा सा नाइट्रोजन ज़्यादा ज़्यादा स्लाइटली, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी ज़्यादा है। तो आपका ये बिल्कुल एक ये भी है, इसके साथ की ये प्लांट है वो, चलो ये तो शायद गिफ्ट किया है, ये सेम ईयर ही है तो इसमें दो जाई नहीं हुई है, मतलब तकरीबन जो 5 से 6 इंच ही रहती है, जबकि इसकी सॉइल टेस्ट भी करवाई है। क्या है नाइट्रोजन स्टेटस, क्या है, क्या है जी? स्लाइटली लेस है सर, लेस है ना। नाइट्रोजन पे थोड़ा सा परसेंटेज करिए, परसेंटेज किया होता फिर वही इशू आ रहा है ना, कईयों में तो बहुत ज़्यादा, इधर परे को जाओगे तो इसमें बहुत ही। आपको लगती है मैंने उन्हें एक एक डाल दिया करो, मतलब थोड़ी सी यूरिया ले ली जुलाई में डाल दी, ठीक है, या अभी भी डाल सकते हैं जैसे, ताकि ग्रोथ इनको एडिशनल दो आप, ठीक है, मतलब वैसे स्टेटस में कुछ नहीं है, ये स्टेटस जो ग्रोथ कंट्रोल होगी बिकॉज ऑफ कि आपका थोड़ा सा रूट सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, रूट इतनी, अब देखो ना अब थोड़ी ग्रोथ गर्ल फॉर्मेशन हुई है, तो आए एक्चुअली पहले थोड़ा सा हो गया, ये निकाल देनी चीज, अब ये है जैसे पिन है ना, इसको थोड़ा हट बैक करो, थोड़ा सा न्यूट्रिशन की तरफ देना, ये थोड़ा सा एक्सेस दे देना आपने, ठीक है, ये इसको तो रहने देते, हो सकता है कि बाद में इसको डेवलप करना पड़े, इसको निकालना पड़े, ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, बाकी जितना जल्दी आपका स्पोर्ट सिस्टम लगा दो इसमें, क्रॉप ज़्यादा नहीं लेना कि इसकी जो अलाइनमेंट है ना नॉर्थ साउथ बिल्कुल होनी चाहिए कि देखिए इस पर ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है, अपने खेत को ख़राब नहीं करना, उल्टा नहीं करना और लैंड वो नहीं करना, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ मैं खड़ा हूँ, कहाँ है यहाँ, ईस्ट ये है ना, वेस्ट ये, नॉर्थ हो सकता है कि बेशाल 10 और 20 डिग्री का कहीं इधर उधर हो, इस पे कहीं नहीं जाना है, इवन मैं तो बोलता हूँ कि अगर जहाँ खेत नहीं बनता तो ईस्ट वेस्ट में भी लगाना, लगा दो, क्यों क्यों हम बोलते हैं इस साइड को जा रहा है इसका, तो यहाँ ट्रेलीज लगाने नहीं 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 आप कभी विजिट करना है ना अभी, देखिए उसमें पता क्या है, देखो इस पे नहीं जाना, अपने खेत का स्लोप देखो, अपनी ढलान देखो और जहाँ मैक्सिमम अकोमोडेट, वो इसलिए बोलते हैं कि मतलब लिखा हुआ होता है कि नॉर्थ साउथ का क्या है कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ इधर होता साउथ इधर है, ठीक है, ईस्ट इधर, सूरज कहाँ से आना, यहाँ से आना, तो हमारी जो रोज है वो नॉर्थ साउथ में होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए कि जब सूरज आएगा तो रोज स्पेस हम ज़्यादा रखते हैं, इसकी छाँव 10 फुट इसलिए बोलते हैं 10-12 फुट की, हमारा जो ईस्ट स्पेस है 0.90% के करीब होता है, तो आपका ये 10 फुट है तो 9 फुट की हाइट या 10 फुट की हाइट होनी चाहिए, ताकि यहाँ की छाँव जब धूप यहाँ से आ रही है तो इसकी छाँव इस पे पौधे के, हमारी जो वैज्ञानिक है जिसमें स्टूडेंट ही जिन्होंने मेरे ख्याल में 70-80 जो स्टूडेंट थे एमएससी पीएचडी करा ली, उनसे भी ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल में, तो उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है तो हमारे को बटक नहीं जरूरत।